आप नीतीश जी के साथी थे, आज उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। मैं नीतीश जी का नहीं विरोध कर रहा हूं। इस पूरे अभियान में हम लालू, नीतीश, मोदी किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बिहार की बेहतरी की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन सारे लोगों का साथ देकर आपने देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा, तो ये नया रास्ता, ये जो तरीका है, इसको देखिए। इस तरीके से आपका जीवन शायद सुधर सकता है, आप गरीबी से निकल सकते हैं। जहां तक नीतीश कुमार की व्यक्तिगत बात है, तो व्यक्तिगत हमारे नीतीश कुमार से बहुत अच्छे संबंध रहे। किसी बिहार में कोई ऐसा नहीं दावा कर, हम तो नीतीश कुमार के साथ एक साथ घर में हम लोग रहते हैं, एक साथ घर में रहे हैं एक बरस, कोई कोई नहीं रहता है। लेकिन आप ये समझिए कि जिस नीतीश कुमार का हमने समर्थन किया था और जिस नीतीश कुमार का हम विरोध कर रहे हैं, दोनों नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 2014-15 के नीतीश कुमार की छवि थी सुशासन की, उनके बारे में बिहार में जो उनका विरोधी था वो भी कहता था भाई कुछ भी कहिए, भ्रष्टाचार ही नहीं है, बिहार में कुछ सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, गति उसकी ठीक है नहीं है, मायने उसके ठीक है नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हर आदमी, ये तो ज्यादातर आदमी ये बिहार में मानते थे कि नीतीश कुमार जी बिहार में प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सुधार की कोशिश कर रहे हैं। उस नीतीश कुमार की मदद की गई थी। आज तो नीतीश कुमार के बारे में गांव-गांव लोग यही कह रहे हैं कि ये आदमी कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। जिस नीतीश कुमार की का समर्थन किया था 2014-15 में, उनके पास जनता का दिया हुआ बहुमत था, उनके पास 117 विधायक जीते हुए थे। आज नीतीश कुमार के पास सिर्फ 42 विधायक हैं, जनता ने उनको नकार दिया, हरा दिया, इसके बावजूद जोड़ तोड़ करके वो कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। जिस नीतीश कुमार का समर्थन किया गया था, वो नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, गैसल असम में दुर्घटना हुई, 200 लोग के आसपास की मृत्यु हुई, तो नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया राजनीतिक मर्यादा का हवाला देकर। आज बिहार में आपने देखा कोरोना में शराब, अवैध शराब से सैकड़ों लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है, नीतीश कुमार के चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इसलिए इस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो ये मानवता की बात है, कोरोना में आपने देखा जिस नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हुई और लाखों बिहार के बच्चे, देखिए कोरोना हुआ पूरे देश पे संकट था, सब लोगों को परेशानी हुई, लेकिन जितनी परेशानी बिहार के लोगों को हुई उतना किसी भी राज्य में नहीं हुआ। लाखों बिहार के बच्चे बड़े शहरों से एक तरीके से मार कर निकाल दिए गए, वो बच्चे पैदल चल के धक्का खाकर गाड़ी से, साइकिल से, बस से, ट्रेन से, किन विकट परिस्थितियों में वापस लौटे। उस समय राज्य के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि कम से कम बस भेज दे कि वो बच्चे घर पर आ जाए, जो लोग लौट कर आए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, घोषणा की कि जो लोग वापस आए हैं ये वापस न जाए, इसके लिए हम यहाँ रोजगार का व्यवस्था करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं किया। तो लोकतंत्र आपको क्या सिखाता है? आप किसी का समर्थन करते हैं, किसी को वोट करते हैं, लेकिन वो समर्थन और वोट 5 बरस के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। लोकतंत्र संविधान ये कहता है कि जिस पर भी आपका भरोसा है, जो भी आपको पसंद है, उस व्यक्ति को, उस दल को आप वोट कीजिए, लेकिन वो 5 वर्ष के लिए। अगर 5 वर्ष में उस व्यक्ति ने, उस विचारधारा ने, उस दल ने आपका काम किया तो उसके साथ बने रहिए, और काम नहीं किया तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जिस मजबूती से आपने उसका साथ दिया है उसी मजबूती से आप उसका विरोध भी कीजिए। अगर ऐसा न हो तो फिर 5 वर्ष में चुनाव कराने की जरूरत क्या है? आप एक बार किसी को वोट दे दिए, उसके समर्थन में आप आ गए, फिर जीवन भर वही रहेगा, तब तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। तब आप लोग के नजरिए से चलिए, तब तो बिहार में राजतंत्र होना चाहिए। एक बार आपने नीतीश का मदद कर दिया तो जीवन भर नीतीश का मदद करते रहिए, एक बार आपने मोदी को वोट दे दिया तो जीवन भर मोदी को ही वोट देते रहिए, वो काम करे चाहे न करे। इसी के विरोध में तो ये पूरा अभियान है कि आप जिस किसी को वोट दीजिए वोट 5 वर्ष के लिए, काम नहीं किया तो चाहे आपके जात का है कि विचारधारा का है कि दल का है, उसको झाड़ू मार के बाहर भगाइए, तभी तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। एक मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, आप लोग यहाँ पत्रकारिता करते हैं, देश में भी सबसे आगे दक्षिण के राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सारे राज्यों में आज तक आजादी के बाद से
आजादी के बाद से कोई भी मुख्यमंत्री 10 वर्ष से ज्यादा लगातार नहीं रहा है। क्यों? लोग 10 वर्ष आपने काम किया फिर भी लोग हटाकर दूसरे को मौका देते हैं। यहाँ 32 वर्ष से लालू नीतीश, इसके आगे जनता जा ही नहीं रही और हम लोग मर रहे हैं, हम लोग के बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं पूरे देश में।